हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के बारे में मैं देखाऊंगा जो मार्केट चाइना चेसिस जो सैन्य किट होता है इसका ऊपर जो साउंड प्रॉब्लम होता है साउंड प्रॉब्लम के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पर जो पांचों टांग वाला जो आईसी देखा जाता है ये TDA 2003 का साउंड आईसी है। और दोस्तों कुछ कुछ पीसीबी पर 203 का ट्रांजिस्टर देखा जाए सॉरी 203 का आईसी देखा जाता है जो साउंड आईसी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट साउंड नहीं आएगा तो आपको क्या देखना होगा। तो साउंड नहीं आएगा तो फर्स्ट आपको साउंड जो सप्लाई होता है साउंड सप्लाई आपको देखना होगा। जिस सप्लाई ये देखिए ये चॉपर का ये नीचे वाला जो पिन होता है यह से 13 से 15 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट होता है। देखिए ये जो लाइन ये लाइन को आपको देखना होगा, बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो कभी कभी देखा जाता है ये जो रेजिस्टेंस ये ओपन हो जाता है, तो इसी के लिए ये ट्रांजिस्टर सॉरी आईसी का जो लास्ट पिन होता है 1 2 3 4 ये 5 नंबर पिन पर सप्लाई नहीं आता है, इसलिए साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों ये एक रीजन होता है। और साउंड आने के लिए ये जो फर्स्ट पिन होता है ये फर्स्ट पिन का ऑडियो पिन होता है, इस पिन पर ऑडियो सिग्नल आता है। ये सिग्नल जो लाइन होता है ये सिग्नल का जो लाइन ये देखिए बीच में एक ट्रांजिस्टर होता है कि दोस्तों ये म्यूट ट्रांजिस्टर होता है, म्यूट के लिए ट्रांजिस्टर काम करता है। कभी कभी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो इसलिए साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को फर्स्ट आप ओपन करके देखना होगा। और ये जो ऑडियो होता है ये ऑडियो लाइन से एक वायर कनेक्ट करके जिस पर ऑडियो सिग्नल इन होता है अब सेटअप बॉक्स से जिस पिन पर इनपुट देता है ऑडियो का इन पिन ये पिन से डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको ऑडियो चेक करना होगा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आईसी ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आपको आईसी का जो अलग अलग पिन होता है ये आपको देखना होगा कि वोल्टेज जो होता है और ये आईसी का 2 नंबर पिन से ऑडियो आउटपुट होता है, बीच में कैपेसिटर होता है, कभी कभी ये कैपेसिटर भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों कुछ कुछ टाइम देखा जाता है कुछ टाइम चलने के बाद ऑडियो आता है, इसका रीजन क्या होता है ये जो कैपेसिटर होते हैं आउटपुट कैपेसिटर ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो सप्लाई जो लाइन होता है सप्लाई लाइन का एक कैपेसिटर मिलता है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सप्लाई लाइन का एक कैपेसिटर होता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑडियो आउटपुट का ये जो कैपेसिटर ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपको चेंज करके देखना होगा। और दोस्तों सप्लाई ओके है और ये आईसी ओके है तब भी इस पर साउंड नहीं आएगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ कुछ टाइम ये जो प्रोसेसर आईसी होता है ये फॉल्ट हो जाता है, तो इसलिए अब ऑडियो सिग्नल यहाँ पर इनपुट देने के बाद तब भी इस पर साउंड नहीं आएगा, ऑडियो आउटपुट नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये आपको एक ट्रिक यूज़ करना होगा कि ये आईसी आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, कि ये जो ऑडियो का जो लाइन होता है ये जो लाइन आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑडियो का जो लाइन होता है ये जो बीच में कैपेसिटर होता है ये जो ऑडियो का लाइन दोस्तों ये आईसी पर जाता है। ठीक है, इधर से आप ठीक से ट्रेस कीजिए तो देखेगा तो ये आईसी पर आता है। दोस्तों ये लाइन को आप ओपन कर दीजिए, बीच में ओपन कर दीजिए, यहाँ से यह सब ओपन कर दीजिए। ठीक है, और ओपन करने का ये सब ओपन कर दीजिए और यहाँ से डायरेक्ट एक कनेक्ट वायर कनेक्ट करके ये जो डायरेक्ट ऑडियो पिन होता है इस पर आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ऑडियो पिन पर कनेक्ट कर दीजिए तो साउंड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इस टाइप कनेक्शन करेगा तो अब ये टीवी का रिमोट से वॉल्यूम कम करेगा तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये आईसी वो ऑडियो को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इसके लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप सेटअप बॉक्स का ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑडियो के बारे में मैं छोटा सा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।